नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ हेल्थ हेजार्ड ऑफ बल्क स्टोरेज ऑफ एल इसके बारे में बात करने वाला हूँ सेफ्टी इंजीनियरिंग टू सब्जेक्ट पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट कोड 104 में एग्जामिनेशन में आपको फाइव मार्क्स का इसके बारे में क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में आपको डिस्कस हेल्थ हेजार्ड्स ऑफ बल्क स्टोरेज ऑफ एल एक्सप्लेन द टेस्टिंग प्रोसीजर ऑफ एल स्टोरेज वेसल्स इसके बारे में पूछा जाता है द हेज़ार्स ऑफ एल पी जी यानी कि एल पी जी में क्या क्या खतरा रहता है एल पी जी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस फायर एंड एक्सप्लोजन आर द मेन हेजार्ड एसोसिएटेड विथ एल पी जी यानी कि एल पी जी के साथ साथ आपको हंड्रेड परसेंट खतरा रहता है फायर होने का या ब्लास्ट होने का यानी कि एक्सप्लोजन होने का इट्स फ्लेम कैन ट्रावेल बैक द सोर्स गिविंग फ्लैश बैक एंड कोस फायर एंड बर्न इंज्यूरी इट कैन कोज कोल्ड बर्न टू द स्किन ड्यू टू इट्स रैपिड वेपोराइजेशन एंड लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर यानी कि जब जैसे जैसे गैस यूज होता है ऐसे उसमें टेम्परेचर डाउन होता है उसकी वजह से आपको कोल्ड बर्न होने का भी चांस कभी कभी रहता है इट्स वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन इन एयर यानी कि एयर के साथ वो कॉन्सेंट्रेट बहुत ही जल्दी हो जाता है इज एथेस्टिकल एंड ऑन डायल्यूशन इट बिकम्स एसपी एज फीस शियट हैवी लीक्स गिव हीसिंग साउंड और आइसिंग इन द एरिया ऑफ लीक यानी कि जब गैस लीक होता है तो हीसिंग साउंड आता है और जिस जगह पे अगर स्मॉलेस्ट यानी कि बहुत ही माइक्रो में अगर लीकेज है तो वहां पे आइसिंग का जमा होना शुरू हो जाता है तो अपने को मालूम होता है कि भाई वहां पे कुछ लीकेज है स्मॉल लीक्स में बी डिटेक्ट बाई सॉप सोल्यूशन यानी कि अगर कुछ स्मॉल लीक है यानी कि छोटा लीक है बहुत ही कम मात्रा में लीक है तो वहाँ पे आप सॉफ्ट सॉल्यूशन लगा के डिटेक्ट कर सकते हैं इट्स एमटी टैंक में स्टील कंटेन एल पी जी वेपर एंड इफ येयर इंटर्स इन एम टी टैंक इट कैन फॉर्म एन एक्सप्लोजन मिक्सचर एक्सप्लोजिव मिक्सचर यानी कि ऑक्सीजन जो है वो खाली टैंक के अंदर जाता है तो उसके साथ एक्सप्लोजिव होने का चांसेस रहता है एल पी जी वेपर जो है वो खाली टैंक में कहीं ना कहीं कंटेंट के मात्रा में रहता है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको न्यूट्रलाइज़ करना चाहिए अदरवाइज उसमें डायरेक्टली कोई भी क्योंकि ओपन टैंक रहेगा खाली टैंक रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन मिक्सिंग होने का चांसेस रहता है देरफोर इट मस्ट बी पर्ड बाई इनर्ट गैस फर्स्ट एंड गेस टेड शुड बी मेड बिफोर डूइंग एनी वर्क ऑन ईट यानी कि आप वो जो टैंक है उसके ऊपर काम कुछ करने जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उसमें नाइट्रोजन पर या तो जो गैस है उस उसके हिसाब से आपको उसको न्यूट्रलाइज करना है इसके बाद ही उसके ऊपर काम करना है थैंक यू दोस्तों